बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शबाना और मैं बनाने जा रही हूँ अपनी किचन में चटपटे छोले। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और एक पैन रखेंगे और इसके अंदर एक कप पानी डालेंगे और दो टेबल स्पून चाय की पत्ती डालकर इसका कलर आ जाने तक इसे उबाल लेंगे और एक मिनट बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो मैंने 400 ग्राम छोले वाले काबुली चने को रात भर के लिए पानी में भिगो दिया था। अब इसे कुकर के अंदर डालेंगे और चाय पत्ती का अर्क छानकर शामिल करेंगे और एक से डेढ़ गिलास पानी डालेंगे और कुकर का लिड बंद करेंगे और चार से पाँच विसिल आ जाने तक इसे पका लेंगे और फिर गैस का फ्लेम लो करेंगे और 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो चने हमारे बॉयल हो रहे हैं, इतने में हम इसके मसाले तैयार करेंगे। तो मैंने 6 टमाटर लिए हैं और 7 से 8 हरी मिर्चें, 6 से 7 लहसुन की कलियां और 2 मीडियम साइज़ की प्याज। तो प्याज, लहसुन और हरी मिर्चों को एक साथ पीस लेंगे। तो चने हमारे पक चुके हैं, अब इसे अलग रख देंगे और गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर 4 से 5 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और इसे अच्छी तरह गर्म हो जाने देंगे। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून साबुत जीरा डालेंगे और 2 से 3 तेज़पत्ते डालेंगे और इसे 1 मिनट तक पकने देंगे। अब इसके अंदर कुचली हुई इलायची डालेंगे और इसके फौरन बाद ही प्याज, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे और जार के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और घुमाकर कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और इसे लाइट ब्राउन हो जाने तक भून लेंगे। अब सारे टमाटरों को कट करेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो टमाटर का पेस्ट हमारा रेडी है, इसे अलग रख देंगे। तो कुकर हमारा ठंडा हो गया है, अब इसे चेक करेंगे चने हमारे गले हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं चने हमारे काफ़ी अच्छे से मैश हो रहे हैं, ये गल चुके हैं। अब एक कटोरी के अंदर पाउडर मसालों को ऐड करेंगे। मैंने लिया 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। अब इन मसालों को गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगो देंगे। तो मैंने चने के पानी को ही इसके अंदर डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए अलग रख देंगे। तो मसाले हमारे ब्राउन हो चुके हैं, अब इसके अंदर पिसे हुए टमाटरों को डाल देंगे और इसे भी 5 मिनट तक भून लेंगे। तो इसे भूनते हुए 5 मिनट हो चुका है, अब जो गीले मसाले मैंने बना कर रखा था उसे शामिल करेंगे और इसे लाइट ब्राउन हो जाने तक भून लेंगे। जब तक के तेल मसालों के ऊपर नज़र ना आने लगे तब तक इसे ढककर भूनेंगे और ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं मसालों को हमने काफ़ी अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबल स्पून छोला मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून अनारदाना, अगर आपके पास है तो शामिल करें वरना स्किप कर दें। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालकर इसे 2 मिनट तक फिर से भून लेंगे। तो 2 मिनट हो चुका है, अब बॉयल्ड छोले और उसके पानी को शामिल करेंगे और 1/2 टेबल स्पून चीनी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसे लो फ्लेम पर 15 मिनट तक पकने देंगे। तो लो फ्लेम पर छोले को पकते हुए 15 मिनट हो चुका है, अब गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। इसे गार्निश करेंगे हरा धनिया से और इसे एक सर्विंग बाउल के अंदर निकाल लेंगे। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसे सर्व करेंगे भटूरे के साथ। ये बहुत ही चटपटी बनी है, आप भी बनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।